तो आज का टॉपिक है कि खुद अपना एडमिशन कैसे लिया जाए। तो भाई हुआ ऐसे कि एक क्लाइंट मेरे पास आया, एक स्टूडेंट मेरे पास आया, उसने बोला मैंने भाई मुझे एडमिशन करवाना है। उसने मुझे प्रोसेसिंग फीस दी, मैंने उसका प्रोसेस शुरू कर दिया, मैंने आगे पैसे दिए और उसके डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दिए। थोड़े दिनों बाद वो क्लाइंट मेरे पास आया वापस, उसने बोला मिनाल भाई मैंने तो खुद अप्लाई करा यूनिवर्सिटी में और मेरा एडमिशन हो गया और मुझे तो मेरे सारे पैसे वापस चाहिए। मैंने उसे बोला देखें आपका प्रोसेस मैं शुरू कर चुका हूँ और मैंने भी आगे पे कर दिए हैं और आपका एडमिशन मेरे पास भी आ गया है। उसने बोला नहीं नहीं मैंने कर लिया अपना एडमिशन और इतना सिंपल था, इस चीज के लिए मैंने आपको पैसे दिए। मैंने बोला हाँ, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो ये नहीं कर पाते, मैंने खुद अपने लिए कंसल्टेंट हायर करा था जब मैं यूरोप आने लगा था। तो उसने बोला अच्छा सही है, फिर तो वैलिड है, अगर आपने भी वो कर दिया तो मुझे पहले से ही डिसाइड करना चाहिए था। तो जैसे कि अगर आपको जर्मनी में या यूरोप में एडमिशन चाहिए, तो आप एक जर्मनी में एडमिशन चाहिए तो एक वेबसाइट है daad.de और इस पे आप जाएं। अगर आपको आपकी 13 इयर्स ऑफ एजुकेशन है, आप ए लेवल्स के स्टूडेंट हैं, तो आप यहाँ बस एक सिंपल सर्च करें कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी बैचलर्स प्रोवाइड कर रही हैं या कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज आपकी मतलब का मास्टर्स प्रोवाइड कर रही हैं और आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। बहुत एक सिंपल गूगल सर्च, अगर आपको जर्मनी में नहीं भी पढ़ना, अगर आपको पोलैंड में पढ़ना है, इटली में पढ़ना है, तो बहुत सारे लोग होते हैं जो नहीं कर पाते, कोई बात नहीं। मैं भी नहीं कर रहा था पहली बार, जब मैं पहली बार आया था मैंने भी किसी को 6-7 लाख रुपए दिए थे और मैंने उससे भी ज्यादा शायद दिए थे। और जब मैंने दिए और जब मैं यहाँ आ गया और जब मैंने ये काम खुद ही करना शुरू करा तो मैंने रियलाइज करा, तो फिर मैंने 6-7 लाख के बजाय आधे पैसे लेना शुरू कर दिए। तो मैंने बोला नहीं, लोगों का ये हक है, अगर किसी को यहाँ आना है ये उसका हक है, तो इसके लिए वो सिर्फ इस वजह से ना आ पाए, बाद में रिग्रेट करे, यार अगर मेरे पास पैसे होते ना तो मैं जा पाता, इसलिए मैंने ये काम करना शुरू करा था। क्योंकि मेरे पास ऊपर एक दफा ये टाइम था कि मेरे पास, मैं ये सोच रहा था कि यार शिट अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं ये काम कर पाता, और मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी फिर उसको चेंज करने के लिए। तो इसलिए आप लोगों को खुद भी चाहिए कि आप लोग रिसर्च करा करें अपने, कि आपको एटलीस्ट, अगर आप खुद ही अप्लाई भी नहीं करना चाहते, क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि वो रिस्क नहीं लेना चाहते। मैं खुद अप्लाई कर सकता था मगर मैं जब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खोली तो पोलिश लैंग्वेज में उन पे सब कुछ लिखा था या जर्मन लैंग्वेज पे उन पे सब कुछ लिखा था। मैंने बोला नहीं, ये काम प्रोफेशनल का है और मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, क्योंकि अगर उन्होंने मेरे पासपोर्ट पे रिजेक्शन का स्टैंप लगा दिया ना तो ज्यादा बड़ा मसला होएगा। इंस्टेड ऑफ मैं किसी प्रोफेशनल को ज्यादा पैसे दे दूं थोड़े और मेरे पासपोर्ट पे एटलीस्ट वीजा तो लगे। तो कुछ लोग रिस्क नहीं लेना चाहते, कुछ लोगों को करना नहीं आता, मुझे करना भी नहीं आता था जब मैंने पढ़ी पोलिश, तो मैंने बोला नहीं मैं नहीं कर सकता। तो इसलिए कुछ लोग होते हैं जो प्रोफेशनल्स हायर करते हैं या कुछ लोग होते हैं जो रिस्क नहीं लेना चाहते, उन लोगों के लिए प्रोफेशनल्स आप हायर करते हैं। अगर आप सारा काम खुद ही कर सकते होते दुनिया का, तो लोगों को, दूसरे लोगों की जरूरत ही खत्म हो जाती ना। तो सिर्फ इसलिए मैं लोगों को इनकरेज करता हूँ कभी कभी कि आप खुद ही एक सिंपल गूगल सर्च करें कि अगर आपको इटली में पढ़ना है तो पब्लिक यूनिवर्सिटीज इन इटली, अगर आपको फ्री में पढ़ना है, अगर स्पेन में पढ़ना है तो पब्लिक यूनिवर्सिटीज इन स्पेन। पब्लिक यूनिवर्सिटीज वो यूनिवर्सिटीज होती हैं जो फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं, और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज अफोर्ड कर सकते हैं तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज वो होती हैं जो पैसे लेकर, उनकी सेमेस्टर की फीस होती है, एनुअल फीस होती है, वो फीस देके आप उनमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इफ यू कैन अफोर्ड इट गो फॉर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज एंड इफ यू कैन नॉट देन गो फॉर पब्लिक यूनिवर्सिटीज, दैट्स नॉट अ बिग डील। बट द थिंग इज के एटलीस्ट आप अप्लाई खुद नहीं भी करना चाहते तो आप एटलीस्ट रिसर्च करें कि बाहर, पाकिस्तान में सिर्फ ऐसा होता है कि इंजीनियरिंग कर लो, डॉक्टरी कर लो या MBA कर लो या BBA कर लो, बाहर बहुत सारी चॉइसेस होती हैं। बाहर म्यूजिक पढ़ सकते हैं आप, अगर किसी को म्यूजिक पढ़ने का शौक है तो वो म्यूजिक पढ़ सकते हैं, किसी को आर्ट्स करने का शौक है, कोई आर्टिस्ट बनना चाहता है तो आर्टिस्ट की अलग तरीके से पढ़ाई होती है, या कोई सिर्फ कोडिंग सीखना चाहता है तो उसके लिए अलग तरीके से पढ़ाई होती है, और उसका सिर्फ एक सर्टिफिकेट नहीं, उसकी एक पूरी डिग्री मिलती है, उसके लिए आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। सोचें कि 19 साल की उम्र से आपने जॉब करना शुरू करी और 60 साल की उम्र तक आप जॉब करते रहे, मतलब 40 साल और आप जियोगे कितना, टोटल 70 साल मैक्सिमम बोल रहा हूं आजकल लोग, अगर आप पाकिस्तान में तो इतना ही जीते हैं, मैं शायद 60 भी क्रॉस कर जाऊं तो बड़ी बात है। खैर, आपने अपनी आधी से भी ज्यादा जिंदगी काम पे गुजार दी, अगर आपको वो काम पसंद ही नहीं है करना और फिर आपने वो काम बस इसलिए करा क्योंकि यार पैसे चाहिए, तो क्या फायदा, खुश होकर काम करा ना तो शायद मैं 80 भी मार जाऊं।
अगर मैंने सैड होकर वही काम करा जो मुझे नहीं पसंद, मगर फिर भी सिर्फ इसलिए करा कि यार लोग क्या कहेंगे, तो फिर तो मैं पक्का 60 में गया ऊपर। बाहर आप लोग एटलीस्ट, अगर आप लोग चाहते हैं कि कोई आपका प्रोफेशनल काम करे, वेल एंड गुड, अच्छी बात है, कोई इसमें बुरी बात नहीं है, मगर आप लोग एटलीस्ट रिसर्च करें कि मैं ये पढ़ना चाहता हूँ यार, या इससे मिलता जुलता अगर कोई कोर्स मिल जाए तो ये मैं इससे मिलता जुलता कोर्स पढ़ना चाहता हूँ। मैं बिजनेस पढ़ना चाहता हूँ, मैं डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बनना चाहता, सिर्फ मैं एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग पढ़ना चाहता हूँ, या मैं क्वांटम फिजिक्स पढ़ना चाहता हूँ। गॉड डैम इट, क्वांटम फिजिक्स, वाओ। तो ये एक सिंपल गूगल सर्च आपका सब कुछ सॉल्व कर सकती है, या मैं भी कर सकता हूँ, या और प्रोफेशनल कंसल्टेंट्स। मगर फिर ऐसा नहीं करना कि हमें केस देने के बाद आप लोग थोड़े दिनों बाद आओ बोले ये तो इतना सिंपल था, हमने खुद ही कर लिया, हमारे पैसे वापस करो, नो ऑफेंस। तो फिर आज का टॉपिक ये था, तो फिर कमेंट करें कि मैं अगले टॉपिक किसके बारे में वीडियो बनाऊं। तो फिर आज के लिए इतना ही, तो फिर कल मिलते हैं ना, पीस आउट।